माननीय सदस्य प्रदेश सभाको आजको बैठक कार्यवाही गर्न हुन्छ। माननीय सदस्य माननीय मुख्यमन्त्री बोल्न खोज्नु भएको छ। मलाई सुन्नु हो सकता है जे आप कुछ जानना चाहते हो
उसको मैं आज स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। आखिर प्रहरी क्यों लेना हम क्यों प्रहरी लेना से? सरकार का अर्थ होता है, सरकार का मतलब होता है कि आपके पास प्रहरी है, आपके पास प्रशासन हो, आपके पास बजट हो। आज हम देखते हैं हमारे प्रदेश में बलात्कार होता है, हिंसा होता है, वो बहुत ऐसी अनवांटेड जो काम होता है, लेकिन उसका नियंत्रण हम नहीं कर पाते। नियंत्रण करने का हमारे पास प्रहरी नहीं, हमारे पास प्रशासन नहीं है। जो आप प्रहरी देख रहे हैं, जो आप प्रशासन देख रहे हैं, जिला प्रशासन कार्यालय लगाए गए प्रशासन, वो आज भी हमारे हाथ में नहीं। वैसे तो संविधान में कहा जाए, संविधान तो प्रदेश प्रहरी, प्रदेश प्रशासन, प्रदेश सरकार के अंतर्गत होना चाहिए। प्रदेश सरकार के पास न प्रहरी है न प्रशासन है, तो आप किससे अपना नीति और कार्यक्रम आप किससे अलाइन कर सकते हैं? आप जो चाहते हैं वो कैसे आप पूरा कर सकते हैं? इसलिए प्रहरी और प्रशासन कौन होता है? जो फोन करते हैं तो मैं प्रहरी का किसी बीमार व्यक्ति को मैं फिर जवाब आता है कि भरी दिया, लेकिन काम ऐसा ही रहता है, उनका रिस्पॉन्स नहीं दिखता है। जब तक आपका अपना प्रहरी नहीं होगा, जब तक आपका अपना प्रशासन नहीं होगा, तब तक शांति सुरक्षा जो संविधान पर जो आपका अधिकार मिला है वो चीज के कारण में नहीं कर सकते। इसलिए जब शांति सुरक्षा का जब अनुभूति नहीं जनता को मिला सकते हैं तो सरकार का उचित क्या? हम देखते हैं फिर प्रश्न उठता है कि इस संविधान से कोई दिक्कत तो नहीं? संविधान स्पष्ट रूप से संविधान के धारा 268 के दो के मुताबिक हम प्रहरी एन लिया सकते हैं, 3 के मुताबिक समन्वय करने का जिम्मा संघीय सरकार के, संघीय सरकार के। तो मुझे क्या लगता है कि हमें एन लेने कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं बताऊं, ये हमारा प्रदेश प्रहरी है, वो लोग जुड़ा किए हैं जो लोग संघीय प्रहरी एन करना कर रहे किए। इसलिए हम लोगों के बीच में अगर कोई कंफ्यूजन हो कि प्रदेश सरकार अपने मुताबिक अपने चाहने के मुताबिक एक प्रदेश प्रहरी एन लिया है, कोई सा बात नहीं। कल के दिन में कोई सर्वोच्च अदालत ने यह प्रश्न नहीं उठाया कि आया हुआ प्रदेश प्रहरी एन संविधान के विपरीत, कोई ये नहीं उठाए कि कल के दिन में संघीय प्रहरी एन के विपरीत। इसलिए हम लोग सारे चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक प्रदेश प्रहरी एन लिया। हम लोग जानते हैं कि प्रदेश प्रहरी सही में कहा जाए अभी तक ले आने का है, संघीय प्रहरी एन पहले ले आना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। संविधान आया हुआ 3 वर्ष हुआ, क्या 3 वर्ष तक कौन चीज रोका है? कौन चीज आपने डिस्टर्ब किया है? क्या चीज, क्या कारण से आपने?
नहीं आ पाए। मुझे लगता है 3 वर्ष का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होगा। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 3 वर्ष नहीं, 2 वर्ष 3 वर्ष बाद भी अगर बिहार या संघीय प्रभारी तो बहुत जल्दी। मैं जिस दिन प्रभारी का कैबिनेट में डिस्कशन कराना चाहता तो उस दिन हमारे प्रमुख सचिव जी आए और कहे हजूर मलाई तो गृह मंत्रालय का डिस्पेच तो भाषा कि 3-4 महीना पीछे कहीं लाउसन नहीं हो गई अगले महीने ठीक सा कि जिस महीना था मैंने कहा ठीक सा प्रभु मत बैठ कर आना तब एक गारंटी लिया हूँ सा मास असली सुनो जाती उन्होंने कहा कि मैं गारंटी चलेगा सा मुझे आज नहीं पता अस्तित्व सार सावन था ये असली आज अगर उन्हीं का बात माना जाए तो 4 महीना 5 5वां महीना चल उनका संघीय प्रहरी है 2012 साल का प्रहरी है उनके लिए कोई समस्या नहीं है। समस्या हमारी है अभी तक आप देखे होंगे कि संघीय प्रहरी के तरफ से 8000 प्रहरी का बनना हुआ प्रदेश सरकार का खत्म हो चुका। प्रदेश सरकार का अपना प्रहरी हो अपना प्रशासन हो वो संविधान हमें गारंटी कर दी लेकिन संघीय सरकार संघीय एन लेने के उनका रुचि नहीं। रुचि क्या चीज में है कि 8000 पदबंदी सृजना करके वो प्रहरी है वो चाहते तो हमें जैसे कि समायोजन कर सकते कौन कौन प्रदेश में जाना चाहते समायोजन करना कोई दिक्कत की बात नहीं। हमने वो भी भेज दिया हमने जगह जगह पर वो भी अनुरोध किया जो हमें जो आपको देना है प्रहरी आप दीजिए हम आपके जो प्रहरी हमें मिलेगा उसी को हम लगाएंगे। कल के दिन में कोई हिंसा होता है कल के दिन में दुर्घटना होता है कल के दिन पर किसी पर गलत किस्म से आरोप लगाकर मुद्दा दिया जाता है तो हम सरकार है तो सरकार के जो हैसियत है निर्देशन दें हम आदेश देंगे तो ना प्रहरी प्रशासन दे जिसका बड़ुआ जिसका आपका कार्य संपादन मूल्यांकन का आपका अधिकार नहीं है तो आप लेकिन हम बीड़ा देते हैं
प्रमुख जिला अधिकारी तथा हमारा संघ से तो दूसरा ही निर्देश है, गृह मंत्रालय का निर्देश है श्री अधिकारी। ये मंत्रालय बैंक यहाँ पर है राष्ट्र बैंक, जो सारा बैंक को निर्देशन देता है, वो बैंक के मैनेजर कहता है हमें कोई निर्देश नहीं। अगर प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार के जीवन, प्रदेश के भीतर के कानून और संघ से राहत दिया हुआ जो कानून करने का हैसियत है, तो प्रदेश सरकार जो बीड़ा देता है वो बीड़ा मानना, कोई निर्देशन देता है तो निर्देशन मानना, जो सरकारी कार्यालय उसका कर्तव्य है उसको मानना ही पड़ेगा। तो कैसे माने? हमारे पास न प्रशासन है न पुलिस है। अगर आप सरकार नहीं है, आप लोग कहिए ये कहीं भी जिला में हिंसा, एक क्या बोले 8 जिला में हिंसा होता है, जब कोई भी सामाजिक अपराध होता है, हम सदन के भीतर आवाज नहीं है, हम प्रदेश सरकार को जिम्मा नहीं देंगे। क्यों प्रदेश सरकार शांति सुरक्षा देने में असमर्थ है? आप कही हम आपको मानेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रदेश सरकार है, प्रदेश सरकार जिम्मा नहीं ले, प्रदेश सरकार शांति सुरक्षा का जिम्मा प्रदेश सरकार के भीतर है, तो आप सब लोग एक मत होके ये प्रहरी के इनको पारित हो, इसका कोई विकल्प नहीं है। एन सबों के लिए होता है, आज एन बनता है, आज हम है कल आप, आज हम मुझे जिम्मा मिला गया है, मिला है आप कल के जिम्मा व्यक्ति, ये आपको भी जरूरी पड़ेगा। आपको हम असहयोग करें, हमें आप असहयोग कीजिएगा, तो कैसे हम सब एक दूसरे को पूरक बने। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहता हूं, मैं यही कहता हूं कि प्रहरी एन संविधान की अनुसूची हम अगर देखते हैं तो अनुसूची के संविधान के लिए प्रदेश का अधिकार क्षेत्र का सबसे एक नंबर में प्रदेश प्रहरी, तो क्यों संविधान में प्रदेश प्रहरी की व्यवस्था किया? मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, आज ही कहिएगा कि मैं लोक सेवा आयोग के इसमें पर नहीं जवाब, हम लोग वेट कर रहे हैं कि संघीय संसद एक मापदंड देगा। हमारे पास निजामती सेवा एक भी तैयार है, निजामती नियमावली भी हम लोग तैयार करके रखे हैं, लोक सेवा आयोग का एक भी हमारे पास रेडी है। हम चाहते हैं ये आप हम जहां हैं अपने जगह से संघीय सरकार को हम लोग कहें जे आप हमें वो जो संघीय संसद जो मापदंड टूटने वाला है वो तो करें, जल्दी करें, क्योंकि हम लोगों के चाहिए प्रदेश प्रहरी, प्रदेश प्रहरी के बिना ये सरकार सरकार नहीं है। हम सब चाहते हैं कि यह सरकार सरकार बने, प्रदेश आप कहिए, ये संविधान जो संविधान के तहत तीनों तरह के सरकार का गठन हुआ है, ये सरकार को वो सारा अधिकार है संविधान का शांति सुरक्षा कायम करना, जिला प्रशासन कार्यालय में रहा सीडीओ का सिर्फ तीन अधिकार है, नागरिकता देना, राजधानी देना और सीमा का अवलोकन करना, सिर्फ तीन अधिकार के बाहर वो सारा अधिकार प्रदेश सरकार का है, प्रदेश का है, वो इससे ज्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे क्षेत्र में आके हमारे अधिकार को हरण करता है, लेकिन फिर भी हम नहीं कुछ कर सकते, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास बहुत से केंद्र कानून नहीं है।
प्रदेश सरकार इस साल हमारे जो ये सार्वजनिक सत्ता संपन्न प्रदेश सभा सारा निर्णय कर सकता है, विधेयक पर छापा कर सकता है, ये बना सकता है, वो चीज हमें संविधान ने दिया। संविधान के ही तो कोई संघीय सरकार में है, कोई प्रदेश सरकार में, कोई स्थानीय सरकार, हम संविधान से बने हुए हैं। संविधान का जो कहा गया ये सहकार्य समन्वय और सहिष्णुता तीनों तरह के सरकार के बीच में हो, ये संविधान गारंटी दिया। इसलिए हम चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं जे किसी किस्म का कन्फ्रंटेशन हो, किसी किस्म का विवाद हो, किसी किस्म से किसी को हम लोगों ने क्यों किसी का बात है। ये तीन वर्ष संविधान आया हुआ, जब प्रदेश सरकार बनेगा, प्रदेश सरकार को शांति सुरक्षा कायम करने के लिए प्रदेश प्रभारी चाहिए, प्रदेश प्रशासन चाहिए, एक वो नहीं जानता। अगर आप नहीं ले आना चाहते हैं तो मुझे कहना है, लेकिन प्रदेश सरकार सरकार के पास प्रशासन और प्रहरी जरूरी। इसलिए आप लोगों से हम कितना दिन वेट करें, अब वेट करने का समय नहीं। हम चाहते हैं कि इस चीज को कार्यान्वित किया जाए। आप लोगों से मेरा अनुरोध है, संविधान का यदि कोई फॉल्ट है तो उसको चैलेंज करने वाला सर्वोच्च अदालत है, और संवैधानिक जो कोर्ट है, बेंच है, जो इंटरप्रेट करेगा वो रेडी। हम लोग सर्वोच्च अदालत के नियम माननीय न्यायाधीश जी लोगों से भी हम लोगों ने कंसल्ट किया है, इसलिए इस चीज पर आप कंफर्म है। रहा बात की आईडीबी का, प्रदेश जब केंद्रीय और एकात्मक संरचना में था तो आईडीबी होते थे वह केंद्र, लेकिन अब संघीयता में हर एक प्रदेश के भीतर आईडीबी और संघ में डीजीपी होना चाहिए, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उस संरचना के तहत हम लोग गाड़ी गए, कंफ्यूजन होने के बाद नहीं, हमको खुद सोचना है। संघीय सरकार जो आज तक आप देखेंगे आपका मर्यादा क्रम क्या, क्या उसी मर्यादा क्रम में रहना चाहते हैं? हमारे सांसदों का मर्यादा क्रम क्या, हम हर जगह उठाते हैं, एक डायरेक्टर से नहीं चाहते, राज्य मंत्री का ऐसे क्या, एक सचिव से नहीं चाहते क्या? इसी लिए हम सरकार में, जो उनका जो निर्देशन हो उस चीज को आत्मसमर्पण करके हम लोग स्वीकार करें। अब स्वीकार करने की जरूरत नहीं, हमें इस चीज को मनन करना होगा। जो चीज हमें संविधान ने दिया है, जो चीज हमें हम कर सकते हैं तो करने में अविलंब ना हो, नहीं तो कब गिरेगा, कब हमको मिलेगा ये स्थिति में अगर हम करें तो निश्चित रूप से ये सहयोग मैं भी देख रहा हूं। जब हम बात करते हैं तो केंद्र में पूरे योग पूरे प्रशासन लाए, पूरे एकदम सिस्टम लाए, जब अपना अधिकार की बात करते हैं तो वो अधिकार जो संविधान ने आपको गारंटी किया, वो अधिकार से आप इस प्रदेश के भीतर, ये देश के भीतर मुलुक में शांति और स्थिरता ले आ सकते हैं। मैं बार बार कहता हूं, जब ये प्रदेश अस्थिर रहेगा, अशांत रहेगा, तो ये देश शांत और स्थिर नहीं बन सकता। आज भी मेरा मानना है कि आज का अभी का जो रिपोर्ट रहा है, अभी का जैसे कि कोई बलात्कार और हत्या हिंसा को आप देखेंगे, निर्वाह को क्या हो, क्यों नहीं रिपोर्ट आ रहा है? तो इसलिए हम लोगों के भी जिम्मा मिले, हम लोग भी कर सकते हैं, जो अधिकार हमें संविधान ने गारंटी किया है हम लोग क्यों नहीं। रही बात संस्था निर्माण करने का, धारा यही संविधान के धारा 250 के तहत कोई भी आवश्यकता अनुसार हम लोग प्रदेश में चाहे स्थानीय तो हम लोग संरचना खड़ा कर सकते, इसको हमें कानून तक नहीं बनने नहीं। संविधान से कहीं भी कहा जाए
बाद में गई, ये नहीं, कहीं नहीं। अगर कोई कहता है ये संविधान समय बाद में गई यो एम आई को सब, तो मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा, चैलेंज करने वाला जगह सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट संविधान का इंटरप्रेट करने का सोल दिया, मुझे नहीं लगता ये सारे हर जगह हर बैठक में विद्वानों के साथ, संविधान ड्राफ्ट करने वालों के साथ बहुत चरण का, मुझे लगता है 2500 चरण का छलफल हुआ है, ये ऐसे नहीं आया। हम लोग इस पर गंभीर है, ये कहीं ये संविधान और बनने वाला कानून से नहीं, हम लोग किया हुआ नहीं है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर रहे, स्वाभाविक है। जो संस्था 8000 प्रहरी के बढ़ना शुरू कर दी, क्या वो चाहेगा या कठोरिया बने? इसलिए माननीय प्रदेश वासियों से मेरा विनम्र अनुरोध है, माननीय सभाओं के माध्यम इसको विलंब नहीं किया जाए और जल्दी से जल्दी इसको पास किया जाए और मुल्क को शांति स्थिरता कायम करने के लिए जो प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है उसमें आपका सहयोग अपरिहार्य। मैं कहता हूं एक प्रदेश एक अभी आ रहा है, तो कल के दिन में आपके लिए भी सहयोगी होगा, जो आएंगे उनके लिए। ये आप नेपाल प्रहरी रहे 2012 साल का अपना वो प्रहरी है, 12 साल की बोलिए तो पंचायत की व्यवस्था 30 वर्ष चला कितना दिन आज 2075। मैं बैठक में भी कहा माननीय प्रधानमंत्री जी कि आप लोगों की जरूरत नहीं हो सकता है, क्योंकि 2012 साल का प्रहरी है, लेकिन हमें आवश्यक, इसलिए आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग इस प्रहरी नियम को जल्दी से जल्दी पास किया जाए। दूसरा नियम हम लोग बनाने के लिए सोच रहे हैं, जो विधेयक सदन के भीतर है दत्ता होने वाला है वो खड़ा। मैं आज भी आपसे कहना चाहता हूं, मेरा स्पष्ट मानना है कि हम करार में हरा नहीं करना चाहते। मैं आप सबसे जो लोग अगुवाई करते हैं, चलिए संघीय सरकार के सम्मानित प्रधानमंत्री जी चाहे संबंधित मंत्री, मैं चलने के लिए तैयार, ये शौक नहीं है। आज आपको बड़ा तज्जुब होगा, संघीय सरकार एक प्रदेश के भीतर ओएनएम करके करीब करीब 2400 कर्मचारी का वो निर्णय किया प्रदेश सरकार के भीतर, जबकि हम लोग पूर्व मंत्री और प्रशासक रहे हुए विदाधर मलिकी को संयोजक कमे ओएनएम हम लोग तैयार। मिनिमम हम लोग का नीति कार्यक्रम बजट के कार्यान्वयन के लिए करीब 5000 कर्मचारी थे प्रदेश के, जो जनसंख्या 5000 लेकिन 2400 कर्मचारी मध्य 7 महीना बीत गया, ये चौमासी की तरह है। एक दिन बैठक हुआ था तो वन पर्यटन और उद्योग मंत्रालय सचिव कहे 993 दरबंदी में 13 जना हानि कहां आएगा सर। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि 13 को क्या करेंगे, वो क्या करेंगे? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप का जो हम लोग 10 लाख के लिए बजट दिए थे संसदीय विकास कोष, संसदीय विकास कोष से रकम लिए वो हम कैसे दिए? हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय के सदस्य तो उन्हें सब गए हो, ये मेरा नया मुखर मुझे, मैंने कहा मैं नहीं जानता, मैं जानता हूं माननीय जीओ का वो जो रकम है उनके हाथ में जाना चाहिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं। तो बड़ा पता लग गया तो उस समय वो आपका प्राथमिक कार्यालय हरेक जिला समन्वय समिति, जिला समन्वय समिति तब में था, तो वहां
भेजा गया, वो मोटरसाइकिल से चेक लेकर भेजे, चेक कर करके हर एक मानी जी पे जो नाम से चेक। अभी तक कुछ स्वास्थ्य कर्मचारी, कुछ वन के कर्मचारी, कुछ सिंचाई के कर्मचारी, कुछ कृषि के कर्मचारी से ऑफिसर हो आया। क्या आप चाहते हैं कि आपका मिला हुआ 1.5 करोड़ रुपया यही रहने दे? अगर इस सदन में आपका प्रश्न सरकार से है, ये कल के दिन में आपका जो कार्यान्वयन करने वाला निकाय नहीं बना, तो आप सरकार से कुछ निकल आएगी नहीं। सरकार क्या है, मैं आज भी कहता हूं, मैं जितना माननीय भौतिक पूर्वाधार मंत्री संघीय सरकार के माननीय जो यही के हैं, आपको वहां से गंभीर वहां से थे, मैं उनसे कहा उन लोग कहा जा पढ़ाई आपकी, मैं लाल बाबू पंडित जी को कहा या भेजिए बनता है। मैं बार बार ताकता दे रहा लेकिन कोई सुनने का पक्ष नहीं। तो कल के दिन में आपका बजट है, जो पैसा आपके लिए विकास संसदीय विकास को तो या संसद के लिए जो दिया हुआ तो उसको खर्च कैसे करेंगे, कौन करेगा आपका कि हम लोग तो चल के नहीं करेंगे, एक निगरानी तो करना पड़ेगा। इसलिए यही सोचकर कि प्रदेश के आवश्यकता अनुसार प्राविधिक कर्मचारी 1-5 होने के बाद मैं 1 महीना का समय दूंगा, संघीय सरकार के संबंधित मंत्री से अनुनय विनय आपके साथ चर्चा करने वाला भैया, आप ये सुन लीजिए, आप दीजिए कर्मचारी, अगर आप कर्मचारी नहीं देंगे तो मैं मजबूर हूं।